जो बदअमनी की सूरत हाल बन गई है पेशावर का सानिया हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये मामला यहाँ पर थम जाएगा या और भी ऐसा होगा हमारे साथ? तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई सानिहा है, ये एक सिलसिला है जो जारी है बदकिस्मती से। जो जो हाथ और जो जो इसमें मुलविस हैं वो तहाल मुलविस हैं। ये जो उलसी पासून या अमन मार्च हो रही है इसी मकसद के लिए कि अवाम में आगाही पैदा करें, अवाम में शऊर जो है वो हम बेदार कर लें, अवाम को मुत्तहिद कर लें और इस जो मुश्किल दौर है इससे निकलने का जो अदम तशद्दुद का रास्ता है उसी रास्ते पे चलते हुए हम मुआशरे के हर शोबे को अवाम के इस सब में शामिल कर दें ताकि ये जो दहशतगर्दी है ये थम जाए और ये ख़त्म हो जाए। क्या रियासत इसमें कसूरवार है जो वाक़ हुआ है पेशावर? जी रियासत में कसूरवार है जो वाक़ हुआ है। देखिए रियासत इस वाक़े में सिर्फ नहीं, 45 साल से यहाँ जो कुछ हो रहा है तो ईरान में क्यों नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा, चाइना में क्यों नहीं हो रहा? तो जाहिर है रियासत जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार होते हैं वो कसूर करते हैं। अगर ये मामला यहाँ पर थम नहीं गया तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए, सारी दुनिया को साथ मिलाना चाहिए। अगर सारी दुनिया की रियासतें हमारे खिलाफ हैं, सारी दुनिया की रियासतों के अवाम उनके साथ तो इस मसले में नहीं है, तो हमें सारी दुनिया की रियासतों के अवाम को अपने साथ मिलाना होगा।